नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पनीर के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, पनीर के स्वास्थ्य लाभ प्रोटीन की आपूर्ति पूरी करने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और स्तन कैंसर का खतरा कम करने के लिए जाने जाते हैं। पनीर जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक और सेलेनियम के रूप में विभिन्न खनिजों का एक अच्छा स्रोत होता है। पनीर में पाए जाने वाले बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हमारे शरीर में विभिन्न चयापचय गतिविधियों में सहायक होते हैं। 100 ग्राम पनीर में 98 किलो कैलोरी ऊर्जा, 3.38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.6 ग्राम वसा, 2.6 ग्राम चीनी, 11.12 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें दूसरे विटामिन जैसे कि थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन वगैरह भी पाए जाते हैं और साथ ही इसमें कैल्शियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम और लोहा वगैरह भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके फायदों के बारे में। सबसे पहला इसका फायदा होता है कि ये कैंसर से आपको बचाता है। पनीर में काफ़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकते हैं। पनीर में संयुग्मित लिनोलिनिक एसिड यानी कि कॉन्जुगेटेड लिनोलिनिक एसिड होता है जो कि कैंसर को मिटाने में सहायक होता है। शिन एट अल द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के हार्वर्ड स्कूल में आयोजित अनुसंधान में पाया गया है कि रजोनिवृत्ति महिलाओं के मामले में कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर जो है वो स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा पनीर में सेलेनियम नामक एक तत्व पाया जाता है और इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि नुकसान से कोशिकाओं की रक्षा करता है और यह डीएनए के रूप में उपयोगी है। और यह भी माना जाता है कि सेलेनियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है। दूसरा इसका फायदा है प्रोटीन के लिए। पनीर के सबसे बड़े लाभों में से एक है कि पनीर में कैसिन प्रोटीन की उच्च मात्रा का होना। और यह माना जाता है कि गाय के दूध में कैसिन प्रोटीन उच्चतम मात्रा में होता है। पनीर में मौजूद प्रोटीन की मात्रा शाकाहारियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यह उन्हें दैनिक प्रोटीन के लिए आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जरूरी नहीं है कि पनीर का सेवन करने के लिए इसको पकाने की आवश्यकता होती है, आप बिना पकाए भी इसका सेवन कर सकते हैं और यह डीएनए और आरएनए के चयापचय में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके गर्भवती महिलाओं के लिए भी फायदा होता है। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और पनीर जो है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें पाए जाने वाला कैल्शियम और फास्फोरस गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए भी लाभदायक होता है। इसीलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए पनीर काफ़ी लाभदायक होता है। साथ ही साथ पनीर खाने के जो फायदे होते हैं वो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम जो है वो दूध और उनके उत्पादों के साथ जुड़े प्रमुख तत्वों में से एक है। पनीर में मौजूद खनिज जैसे कि विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक हमारे शरीर की हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। दूध और दूध उत्पादों में पाए जाने वाला कैल्शियम मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है और पनीर में विटामिन बी होता है जो कि हमारे शरीर को कैल्शियम प्रदान करता है। इसीलिए हमें पनीर का सेवन करते रहना चाहिए और इसमें पाए जाने वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि गठिया से होने वाली बीमारी को भी रोकता है। पनीर में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि उपयुक्त मात्रा में कैलोरी भी शरीर को देता है जिससे कि वजन आसानी से बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, पनीर के जो लाभ होते हैं उससे रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। पनीर जो है वो मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। मानव शरीर में सबसे अधिक मैग्नीशियम हमारी हड्डियों में केंद्रित होता है और मैग्नीशियम भी एक उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है जो कि जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है, शरीर में विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय करता है, मांसपेशी और तंत्रिका कामकाज और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है और यह रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और दिल के दौरे, कब्ज, मानसिक विकारों, माइग्रेन और कोलेजन से बचाने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, जो कोटेज चीज़ होता है उससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अन्य पोषक तत्वों के अलावा पनीर में पोटेशियम होता है और पोटेशियम शरीर में तरल पदार्थ संतुलन तत्व के रूप में कार्य करता है जो कि मांसपेशियों और दिमाग की तंत्रिका गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो कि रक्त परिसंचरण में भी मददगार है और यह मांसपेशियों की ऐंठन से भी राहत दिलाता है। और एक नियमित आधार पर पोटेशियम का सेवन दिमाग जो है उसके स्ट्रोक के खतरे को रोकता है क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करता है और यह तनाव और चिंता का स्तर भी कम करने में मददगार होता है।
और साथ ही साथ पनीर खाने के जो लाभ की बात करें तो पाचन को बेहतर बनाने के लिए पनीर का नियमित सेवन करने से यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पनीर में पाए जाने वाला फॉस्फोरस और फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट को हमेशा अच्छा रखता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पनीर के नुकसानों की, तो दोस्तों पनीर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन पनीर का अधिक सेवन आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। पनीर में ज्यादा मात्रा में फैट मौजूद होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपके दिल के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको पनीर नहीं खाना चाहिए, और कच्चा पनीर गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण के विकास के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अधिक पनीर खाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि आपको दस्त की समस्या हो सकती है। किडनी के रोगियों को पनीर का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए, और पनीर का आप किसी भी तरह खा सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाते समय इसे अधिक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इससे इसके जो पोषक तत्व है उसमें कमी आ जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।